जी और हम दोनों पहुंच गए भैया, और पीछे में ये थर्मल पावर बन रहा है, बक्सर थर्मल पावर यही है। और रात हो गया इसलिए विजुअल ठीक से दिख नहीं रहा होगा, दिन होता तो आपको तस्वीरें अच्छे से दिखता। बाल भी देखते हैं, थक गए हम लोग दिन भर चलते चलते। ये मोहनपुरवा है, चौसा में। हाँ। मोहनपुरवा गांव है। कितना मेगावाट सर बता रहे थे? 660 गुना दो है, यानी 660 का दो यूनिट लगे, 1320 मेगावाट का यहाँ पे प्लांट बन रहा है। और बता ही दिया, बाकी कुछ डिटेल तो आप बता ही दिए। नेशनल ये थर्मल पावर है, चूँकि ताप विद्युत परियोजना जिसको बोलते हैं, जैसा कि कहलगांव में है, जैसा कि आरा में है, ठीक उसी तरह का थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये बनेगा। दो यूनिट होंगे, 660 मेगावाट का, यानी टोटल कितना बताया? 1320। अच्छा 1320, तो 660 1320 मेगावाट के का परियोजना है। उसको पूरा होगा तो ये लगभग दो यूनिट काम करेंगे तो इतना बिजली पैदा होगा। और अभी बिहार में इतनी बिजली उत्पादन हो रहा, बिजली का बिजली सरप्लस हो रहा है। बीच में ऊर्जा मंत्री कह रहे थे कि इसका जो बिजली होगा उसमें से मैक्सिमम बिहार यूटिलाइज करेगा। तो ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट है वो बिहार वासियों के लिए बड़ा वैल्यूएबल होगा आने वाले समय में। और इसका निर्माण L&T नाम की कंपनी करा रही है। अभी अंदर से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उसके जरिए हमने बात किया तो पता चला टाउनशिप का निर्माण हो रहा है। टाउनशिप का निर्माण हो रहा है और 40% लगभग टाउनशिप का निर्माण पूरा हो रहा है। और अगली बार आएंगे तो एरियल व्यू भी दिखाएंगे भाई। इस बार आप लोग, इस बार आप इसी से काम चलाइए। बहुत लोग कह रहे थे, एक लोग तो कह रहे थे कि आप अगर चौसा तक जाइए, आप वीडियो करके आइए, अगर उस पर व्यूज नहीं आएंगे तो सारा पेट्रोल खर्चा मेरा। भैया उसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे आपके लिए, बस यही बात है। कोशिश तो यही रहती है कि आप लोग का डिमांड हम लोग पूरा करें, और हर जगह पहुँच नहीं पाते हैं तो उस समय बहुत हम लोग को खुद में ही। अरे भाई कैसे होगा, पूरब से पश्चिम बिहार 440 किलोमीटर है, उसके सेंटर में रहते हैं, 200-250 किलोमीटर चलना एक दिन में, जा करके वापस आना संभव नहीं है। आज यहाँ तक आए हैं तो समझ लीजिए सुबह चले, अभी यहीं है, वापस भी जाना है। यहाँ परेशानी है कि हम लोग को लौटना होता है, छोटे छोटे घर में घर परिवार भी है सर, उसको भी देखना होता है। आप लोगों की तरह ही जैसे आप लोगों का है, पीछे निर्माण चल रहा है, दिन में होते तो पूरा तस्वीर आपको दिखता कि कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। लोगों से हम बात भी करवाते, चूँकि आते आते रात हो गया और हम लोग को पटना भी वापस जाना है, तो अगले दिन आपको इसका पूरा डिटेल दिखाएंगे जब फिर कभी आएंगे। तो अभी फिलहाल ये है कि प्रोजेक्ट तक पहुँचे थे तो सोचे एक बार फ़ोटो ले लिया जाए, ताकि ये स्टेबल कर पाएँ कि हम लोग यहाँ तक आए थे। पटना पहुँचते पहुँचते हम लोग को लगता है कि 12 तो बच ही जाएगा, क्योंकि अभी 6 या 7 बज रहा होगा, 7 बज रहा है। ठीक है, फिर से किसी और दिन आएंगे तो जुड़ेंगे, फिर पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कितना काम। व्यू भी दिखा देंगे अरुण जी आपको, जैसे बाढ़ वाला। हाँ, कहाँ आप काम करते हैं क्या इसमें? दुकान, तो आपका दुकान है, कितना काम हुआ अंदर में पता तो चलता? नहीं अभी काम कुछ नहीं हुआ। कुछो काम नहीं हुआ? नहीं अभी तो फाउंडेशन का काम है। फाउंडेशन का काम हो रहा है। क्या चीज़ बेचते हैं सर आप? ये अभी तो जैसे बाढ़ में है ना, यहीं घर आप। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, फिर से मुलाकात होगी आपको। अगली बार आएंगे तो चौसा प्लांट पूरा दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे, और सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। फिर हम लोग आरा मोहनिया को भी दिखाएंगे। अभी लाइव में हमने गलती कर दिया था, आरा मोहनिया रोड को आप लोगों का कमेंट आया। होता है सर, ऐसा होता है, हमेशा तो चलते नहीं है ना, और हर कोई मतलब ज्ञाता नहीं होता है, चीज़ों को देखता है तभी वो जानता है कि क्या है। चलिए, हम लोगों को लगा पटना बक्सर रोड है तो हम लोगों ने लाइव में बोल दिया था। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।